हेलो गाइस, मैं नोनी जैन हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आपके लिए समथिंग स्पेशल। दोस्तों, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अपने वादे अनुसार मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉम रेडर का सीक्वल, जिसका नाम है राइज ऑफ टॉम रेडर की कंप्लीट स्टोरी हिंदी में। फ्रेंड्स, इन स्टोरीज़ को बनाने में टाइम एंड एफर्ट्स तो बहुत लगते हैं, बट जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, लाइक्स एंड रिस्पॉन्सेज आते हैं तो झट से चुटकियों में सारी थकान फुर्र हो जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी रिवील करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हो जाए। हर बार की तरह पहले गेम के बेसिक्स की बात करूंगी तो बताना चाहूंगी कि राइज ऑफ टॉम रेडर भी एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसके डेवलपर क्रिस्टल डायनेमिक्स हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये 2013 की टॉम रेडर वीडियो गेम का सीक्वल है, जो कि टॉम रेडर सीरीज की 11th एंट्री है। ये गेम 10 नवंबर 2015 में माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियोज़ के द्वारा एक्सबॉक्स वन एंड एक्सबॉक्स 360 के लिए लॉन्च हुई। वहीं स्क्वायर एनिक्स कंपनी ने इसे 2016 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड प्लेस्टेशन 4 के लिए भी रिलीज़ किया। अब तो खैर ये अदर कंसोल्स के लिए भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आप इसे सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर दोनों मोड्स में खेल सकते हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरह से है। हेलो फ्रेंड्स, पहला इंडियन कपल जो सबसे पहले एक्सबॉक्स एंड प्लेस्टेशन की सभी लेटेस्ट गेम्स आपके लिए हिंदी में लाइव करता है, तो प्लीज हमारे चैनल नमोकार गेमिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हो जाए। गेम में कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि टॉम रेडर की इवेंट्स के एक साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट लारा क्रॉफ्ट, जो कि हमारी गेम की प्रोटागोनिस्ट हैं, यामाताई के अपने सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं और वो पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार भी हो जाती हैं। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को किसी पास्ट में हुई डेंजरस घटना से रिलेटेड डिस्टर्बिंग थॉट्स, फीलिंग्स, ड्रीम्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं। ऐसा पर्सन सुसाइड भी कर सकता है या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। लारा अपनी टीम के साथ एक न्यू एक्सपीडिशन के लिए तैयार है। इस बार उन्हें रास्ता तय करना है चिली एग्रेसिव विंड्स का एंड स्लिपरी स्नो से भरे माउंटेन्स का, जहां रास्ते में ही उसकी पूरी टीम का एंड अप हो चुका है, मींस सब के सब वापस जा रहे हैं। आप देखेंगे कि लारा जॉना के साथ माउंटेन्स पर आगे का सफर तय करती है। जॉना के बारे में मैं बता चुकी हूँ, एक काफी स्ट्रांग बॉडी वाला उसका फ्रेंड जो कि लास्ट गेम में भी था। तो जॉना के साथ माउंटेन्स का सफर तय कर रही है लारा, जहाँ स्ट्रांग विंड्स लारा को कई जगह चैलेंजेस देती रहती हैं। एक बार तो बर्फीली हवा लारा को बहा कर ले जाती है, बट लारा मैग्नेटिव हो शेप्ड टूल की हेल्प से माउंटेन्स पर क्लाइम करके जॉना के पास पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, ये हो शेप्ड टूल जो है एक कुदाल जैसा होता है और ये माउंटेन्स पर चिपक जाता है। Shit, Lara. You're gonna give me a heart attack. Are you okay? Yeah. अब लारा और जॉना माउंटेन्स की एली स्पेसेस में, मीन संकरी रास्तों से चलते चलते लास्ट माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं। अभी लारा लास्ट तक जाकर अपनी फाइंडिंग्स की एक झलक ले ही पाती है कि एक डेंजरस विंड जोर से आकर एक
तूफान लाती है, साथ ही फ्रेंड्स माउंटेन्स की आइसबर्ग्स भी टूटकर गिरने लगती हैं, जिससे लारा स्लिप होकर जोना से अटैच रोप पर हैंग रह जाती है। मतलब वो माउंटेनियर्स आपस में एक दूसरे को रस्सियों से बांध कर चढ़ते हैं तो ताकि एक नीचे गिर भी जाए तो दूसरा उसे सपोर्ट कर सके। अब जोना के रोप स्विंग कराने से किसी तरह लारा अदर साइड माउंटेन पर स्टिकी टूल्स से पहुंचती है। लारा, I can't hold you. The rope is slipping. फ्रेंड्स आगे की जर्नी और भी खतरनाक है, जिसे आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीला तूफान बहाकर जाने कहां ले गया। ओह नो, बेचारी लारा ठंड से कांपती सकपकाती सोच में डूब रही है। और फ्रेंड्स अब गेम में 2 वीक्स का फ्लैशबैक दिखाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि लारा एक अजीब भीगी रात में मींस लंदन इंग्लैंड का एक रेनी डे है, जब लारा अपने रूम में एंटर करके अपने फादर की बिलोंगिंग्स को देख रही होती है। डैड के टेप रिकॉर्डर से उनकी सेइंग्स एंड मैसेजेस जो कि कैसेट्स में कैद हैं उन्हें सुन रही होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये सही टाइम है ये रिवील करने का कि लारा के फादर मिस्टर रिचर्ड क्रॉफ्ट, जो कि खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि बहुत सारे रिसर्चेस के करीब तक पहुंचकर भी अनसक्सेसफुल हुए। कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग और उनके क्लोज रिलेटिव्स उनसे नाराज भी हैं। अपने फादर के रिसर्चेस पर काम करके लारा ने बहुत सारे एक्सपीडिशंस प्लान किए ताकि फादरली फैक्ट्स एंड रिसर्चेस को प्रूव कर सके। अभी आप देखेंगे गेम में ट्रिनिटी का जिक्र हुआ है, जो कि एक एंशिएंट वायलेंट ग्रुप है जो कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को कंट्रोल करता है। दोस्तों ऐसा प्राचीन विध्वंसक ग्रुप जो कुछ ट्रुथ्स के रिगार्डिंग अपने मनचाहे फैक्ट्स देकर लोगों को भ्रमित करता है, और वो लारा और उसके डैड जैसे सच्चे एक्सप्लोरर्स की रिसर्चेस के अगेंस्ट कुछ मिथ्स भी क्रिएट करता है ताकि कुछ रियल एंड स्पेशल फैक्ट्स दुनिया के सामने कभी ना आ सके। बट फ्रेंड्स लारा तैयार है उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने जाने के लिए जो कि उसके लेट फादर ने प्लान किए हुए थे। जी यस,
लारा किटेज का खोया हुआ शहर ढूंढकर इमॉर्टेलिटी के अपने प्रॉमिस को निभाने की और कदम रखने की प्लानिंग में मग्न है, जो कि उसके फादर की अधूरी रिसर्च है। लारा अपने घर के किसी और रूम में एंटर करती है और लैपी के पास जाती है कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कोई अटैकर है, इसलिए वीपन लेकर मींस कोई हथियार लेकर वो वॉल साइड पर हाइड रहती है, बट देखती है अंदर आना एंटर करती है। It's me, Hannah. Oh God. फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये लारा के डैड की पार्टनर हैं। मींस आना जो है मिस्टर रिचर्ड क्रॉफ्ट की बिलव्ड हैं। आना लारा को न्यूज़पेपर दिखाती हैं, जिसमें मीडिया लारा को पॉइंट आउट करते हुए लारा के रिगार्डिंग कुछ फिजूल के फैक्ट्स देती है। पेपर में क्लियरली मेंशन है कि दूसरा पागल क्रॉफ्ट, एक बेटी जो बिल्कुल अपने पिता की तरह है, कुछ इस तरह से लारा के ऊपर टिप्पणियां की हुई थी। मींस रिचर्ड क्रॉफ्ट को उनकी इनकम्प्लीट रिसर्चेस की वजह से गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एंड एक्सप्लोरर्स और सभी लोग बेवकूफ करार करते थे। आना लारा को यही समझाने आई है, बट लारा अपनी ही बात रखते हुए बताती है कि उसने टॉम ढूंढ ली है, प्रॉफिट की मिथ भी रियल है, डैड सही कह रहे थे। फ्रेंड्स, लारा के डैड किन्हीं गॉड की टॉम की रिसर्च में लगे थे, जो कि लारा ने रिसेंट में ही जाकर खुद ढूंढी है। आना लारा को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसके डैड बीमार थे। दोस्तों, एक्चुअल में लारा के डैड सीरिया के गायब हो चुके शहर किटेज की खोज कर रहे थे, और साथ ही सबूत के तौर पर वो कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रॉफिट की टॉम्ब का जिक्र भी करते हैं अपनी रिसर्च में। फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रॉफिट एक जगह के गॉड हैं और जिनकी कब्र के बारे में उन्होंने अपनी रिसर्च में बात की है। आना रिचर्ड क्रॉफ्ट की बिलव्ड होती है, जो कि लारा को कन्फेस करती है कि किटेज शहर की खोज के एक्सेसिव स्ट्रेस ने ही रिचर्ड को तबाह कर दिया और उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। लारा तर्क देते हुए आना को इग्नोर करती है एंड अपने सीरिया के एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज करती है, इस उम्मीद से कि ताकि कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रॉफिट की टॉम अनकवर हो सकेगी। फ्रेंड्स, अब लारा एक वॉर जोन में एक फोर व्हीलर में है, मींस एक जीप में वो ट्रेवल कर रही है। अचानक ऊपर से एक हेलीकॉप्टर को आते देख लारा भाप जाती है कि कुछ तो गलत है। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट है, ड्राइवर ने लारा को डिसीव किया है और अथॉरिटी से पैसे लेकर लारा के इरादों के रिगार्डिंग उन्हें सब बता दिया। ड्राइवर धोखेबाज है। तभी हेलीकॉप्टर से फायरिंग होने लगती है। जिसमें गाड़ी में आग लग जाती है और एक बुलेट ड्राइवर को भी लग जाती है। ड्राइवर की डेथ से गाड़ी डिसबैलेंस होकर पहाड़ी से गिरने लगती है। अभी गाड़ी कहीं अटकी ही थी और फटने वाली होती है कि लारा उसमें से निकलकर भागती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जो कि सीरिया का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर होता है। लारा के सिर पर चोट लगती है और सिर चकरा भी रहा होता है, बट वो अपने इरादों में बिल्कुल फर्म है। लारा वहीं अपने फादर के माइक्रोफोन में सुनती है कि प्रॉफिट की कब्र किसी खोए हुए शहर की किसी खाड़ी में छिपी है, ऐसा कहा गया है। वहीं एक ऑयसिस मींस मरुधान है। फ्रेंड्स, मरुधान में आपको बता देती हूँ क्या होता है। राजस्थान जैसे एरियाज में जहाँ पूरा रेत ही रेत, खुश्क वातावरण में कहीं पानी और वहाँ पर कुछ प्लांटेशन मिल जाती है, इसे ऑयसिस कहते हैं। आगे बढ़कर लारा को एक गुफा मिलती है, जिसे वो अपने टॉर्च से एक्सप्लोर करती है। वहाँ पिलर्स पर प्रॉफिट के पिक्चर्स के साथ राइटिंग्स भी मिलती हैं।
ये लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रेंज है, लारा को समझ नहीं आ रही है। यही लारा को एक सीक्रेट एंट्रेंस नज़र आता है, जिसे क्रॉस कर लारा को एक हिस्टोरिकल पैलेस भी नज़र आता है। सीक्रेट एंट्रेंस, अंदर जाने के लिए लारा कितनी मशक्कत करती है ये आप देख सकते हैं। Oh no, they're already here. Got to get inside. अब लारा जिस जगह एंटर करती है वहां के स्ट्रेंज रूट्स एंड एंट्रेंसेस पर बहुत सारे स्केलेटन्स एंड बोन्स देखकर, उनके पोजेस और हाथ में वीपन्स देखकर लारा समझ जाती है कि जरूर यहाँ कोई वॉर हुई थी कभी। रिलीजियस पिलग्रिम्स में मींस धार्मिक यात्रियों में कुछ युद्ध टाइप हुआ था। फ्रेंड्स, एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर लारा का पीछा कौन कर रहा है, तो फ्रेंड्स बता दूं ये ट्रिनिटी है, जो कि एक शूरवीरों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अब पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई है और अब सुपर नेचुरल ऑर्गेनाइजेशंस पर रिसर्च करती है। फ्रेंड्स, आगे का रास्ता बनाते हुए थंडरिंग से लारा समझ जाती है कि ये लोग मींस ट्रिनिटी के लोग ब्लास्ट करके रास्ता डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब लारा ब्लास्ट की वजह से अंडर वाटर है और स्विम करके बाहर आती है। हिस्टोरिकल पैलेस के अंदर हर तरफ पानी पानी के तेज बहाव में बहते हुए लारा लोकेशन के सेंट्रल हॉल में पहुंचती है, जहां उसे प्रॉफिट की टॉम नजर आती है। Found you. बट जब वो टॉम खोलती है तो ये क्या, टॉम तो खाली होती है। ट्रिनिटी के आर्मर्स ऊपर से कहीं एंटर कर रहे होते हैं तो लारा कहीं हाइड हो जाती है, और जैसे ही वो लोग टॉम को खोलते हैं तो लारा ट्रिनिटी के लीडर कॉन्स्टेंटिन से फेस टू फेस हो जाती है। Who the hell are you? और उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। लारा ब्लास्ट करके उन लोगों से खुद को किसी तरह सेव करती है। Get down! और फ्रेंड्स, ये स्ट्रेंज सीन्स आप भी एंजॉय कीजिए, आपको मजा आएगा। अब बचते बचाते लारा अपने घर पहुंच गई, जहां अंधेरे में उसके रूम में जॉना एंटर करता है, वो जिसे देखकर लारा बहुत खुश हो जाती है और टॉम के रिगार्डिंग अपनी आप बीती एक सीक्वल में कंप्लीट तौर पर बताती है। लारा ने जो सिंबल प्रॉफिट के टॉम पर देखा था वो उसे अपने फादर की स्टडी की एक रशियन रिलीजियस हिस्ट्री बुक से रिलेट करती है। लारा जोना को इंसिस्ट करती है कि लॉस्ट सिटी साइबेरिया में 12th सेंचुरी में गायब हो गई थी।
जो कि मंगोलों के हमलों से किसी झील में ढह गई थी। जॉना लारा को समझाते हुए नाराज होकर चला जाता है, बट दरवाजा फिर से खुलता है और इस बार ट्रिनिटी का कोई मेंबर आकर लारा पर अटैक कर देता है। और लारा के डैड की हिस्ट्री रिसर्च की बुक लेकर 9:11 हो जाता है। लारा एंड जॉना उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बट दोनों ही अनसक्सेसफुल प्रूव होते हैं। अब लारा साइबेरिया की एक्सपीडिशन की प्लानिंग करती है और फ्रेंड इसी के साथ फ्लैशबैक से वापस हम भी प्रेजेंट में एंट्री करते हैं। अब वही साइबेरिया के चिली माउंटेन्स का सीन एंड लारा स्ट्रांग विंड से जॉना से बिछड़ जाती है। वॉकी टॉकी से जॉना के मैसेज आने पर लारा उसे वापस जाने को कहती है बिकॉज वो अपनी वजह से जॉना को परेशान नहीं करना चाहती थी। लारा ठंड से कांप रही होती है और आग जलाकर हीट ग्रैब करने की कोशिश करती है। स्नो अपने पीक पर है। लारा किसी आउटसाइड लोकेशन पर कैंप बनाकर फायर से हीट लेकर कुछ रिलैक्स फील करती है। अब रात के अंधेरे में ही लारा आगे बढ़ती है जहां उसके ऊपर एक वाइल्ड बियर अटैक करता है। लारा अपने हो टूल से एफिशिएंटली मार देती है। फ्रेंड्स, ऐसी वियर्ड सिचुएशंस में लारा अपने डैड रिचर्ड क्रॉफ्ट की परसुएटिव बातें याद करती है और सो जाती है। लारा Refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. कुछ whispering sounds की वजह से लारा उठती है तो देखती है कि ट्रिनिटी के soldiers आसपास हैं। वो लोग लारा को capture करने के लिए उसका पीछा करते हैं। But लारा एक पेड़ पर चढ़कर escape करती है और lead करने वाले soldier को kill कर देती है। After this, Lara discover करती है कि Trinity ने सोवियतारा mine बना ली है, means सोवियत के रास्तों से गुप्त सुरंग बना ली है, जहां वो किटेज की सर्च से related operations को अंजाम देते थे। यहां दूर कहीं mountains में prophet के followers को Trinity के लोगों द्वारा torture किया जाता था। लारा यहाँ काफी ट्रिनिटी के सोल्जर्स को शूट करते हुए आगे माइन को और एक्सप्लोर करती है, बट ये क्या, ट्रिनिटीज ने यहाँ लारा को कैप्चर कर लिया है, मींस बंदी बना लिया है। ओह नो फ्रेंड्स, आगे क्या होता है और ये क्या, लारा के सामने ये कौन है दूसरा पर्सन? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, लारा को बंदी बनाया जा चुका है, लेकिन वो कौन है उसके सामने जिसे देखकर लारा सरप्राइज्ड है, ये आपको और हमें एक साथ जानना है। तो जानते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। ये सस्पेंस हम रिवील करेंगे, बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठाना अभी बाकी है। तो बने रहिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट में भी, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक्स ठोकिए एंड वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम इसका ध्यान रखेंगे। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे।
नमोकार चैनल लेकर आया है घर बैठे कमाओ ऑफर, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी भाग ले सकते हैं। जिस चैनल पर हम आपके एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका आईक्यू लेवल भी टेस्ट करेंगे, जिसमें पूछे जाएंगे आपसे कुछ खास सवाल, जिसका आंसर जो सबसे पहले देगा उसके अकाउंट या पेटीएम में पैसे पहुंच जाएंगे। घबराइए मत, सवाल कोई बवाल नहीं होंगे, बस आपको हमारी हर वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखनी होगी। तो दोस्तों, नगद इनाम पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने जवाबों के साथ साथ अपना नाम और पेटीएम नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ध्यान से देखते रहिए नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ है। तो आज ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने दोस्तों रिलेटिव सभी को बता दो, यार आपके लिए ये जो ऑफर लेकर आए हैं बहुत ही दमदार है, मुझे लगता है कि आपको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तब तक के लिए हेलो फ्रेंड्स, पहला इंडियन कपल जो सबसे पहले Xbox और PlayStation की सभी लेटेस्ट गेम्स आपके लिए हिंदी में लाइव करता है, तो प्लीज हमारे चैनल नमोकार गेमिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हो जाए।